लहसुन इसके अंदर पक रहा है ना, जब ये पक्के निकलेगा इसमें आपको लहसुन का स्वाद नहीं मक्खन का स्वाद आएगा, ये बिल्कुल मक्खन बन जाता है। ये आ गया हमारा वेज लेग पीस, ये तंदूर के अंदर जाएगा। तो ये वेज लेग पीस है? हाँ जी हाँ जी, वेज स्वेट अंडी। आज हम आपको लेके आ गए हैं खन्ना तंदूरी जंक्शन पे, और यहाँ पे 100% वेज चिकन बनता है, 100% वेज। इसी में आपको थोड़ा तरंगी लगा होगा, तो यहाँ पे हम दिखाते हैं हांडी चिकन, वो भी 100% वेज। चलिए इनकी किचन में लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कैसे होता है यहाँ पे तैयार। तो भाई यहाँ पे देखिए, अब हमारी हांडी लग चुकी है, और जो अब इसके बाद मेरी आवाज़ नहीं आएगी तो बताएंगे यहाँ के ऑनर कैसे तैयार होती है। ये हांडी हमारी गर्म हो चुकी है, इसमें अब हमारा रोगन आ रहा है। अच्छा, जो पहले से तैयार करा हुआ है ना मसालों के साथ। ये सारा प्रिपरेशन ना हांडी के अंदर ही होगा। तो आपको ये आइडिया कैसे आया सर? ये आइडिया भैया, वेज खाने वाले लोग कहते थे कि यार कुछ ऐसा बनाओ जो फील आए मटन की। अच्छा, तो ये मैंने ट्राई करा हांडी के अंदर बना के, टेस्ट करा, टेस्ट भी बड़ा जबरदस्त है। अच्छा, अभी हॉट सेलिंग है आइटम। सो इसकी प्रिपरेशन में क्या क्या डाला है आपने? ये भी हमने डाला जिंजर गार्लिक, और ये सारे खड़े मसाले, साबुत लाल मिर्च, तेज पत्ता, दालचीनी, हल्दी, लौंग, सब साबुत डलेगा इसमें। ये हरी इलायची, दालचीनी, जावित्री, लौंग। ये देखिए आप कैसे उबल रहा है, मट्टी के अंदर देखिए आप कैसे उबल रहा है। प्राइस क्या इसका? ये 140 का हाफ है, 240 का फुल है। अब ये देखिए साबुत लहसुन आएगा इसके अंदर, ये देखिए सारे मसाले खड़े डल रहे हैं, इसमें कोई मिलावट नहीं। तो टोटली 100% वेज है? 100% वेज है, चैलेंज है हमारा। ये जो लहसुन इसके अंदर पक रहा है ना, जब ये पक्के निकलेगा इसमें आपको लहसुन का स्वाद नहीं मक्खन का स्वाद आएगा, ये बिल्कुल मक्खन बन जाता है। हमारा चौक मसाला ये तैयार करा हुआ, हमारा चौक मसाला है, इन हाउस बनता है। ये देखिए कैसे पक रहा है। लोकेशन है कृष्णा नगर, हमारा आउटलेट है ये हैप्पी इंग्लिश स्कूल के पास में, एक आउटलेट हमारा लाजपत नगर है। ये देखिए आप कितना कलरफुल आ रहा है, इसमें कोई भी कलर नहीं डाला गया, सारा ये जो रंग है मसालों का ही अपना छोटा हुआ रंग है। इसके अंदर ग्रेवी आ रही है हमारी, इस ग्रेवी में टमाटर, प्याज, काजू, मगज और मसाले। शाही ग्रेवी है? शाही ग्रेवी है। तो भाई 100% वेज शाही ग्रेवी वाला बटर चिकन रेडी होने जा रहा है। वेज हांडी चिकन, वेज हांडी चिकन। ये आ गया हमारा वेज लेग पीस, ये तंदूर के अंदर जाएगा। तो ये वेज लेग पीस है? हाँ जी हाँ जी, वेज स्वेट अंडी। लेग पीस सीख चुका है, देखिए प्रॉपर सीख चुका है, भुन गया है पूरा। ये वेज खाने वाले बहुत पसंद करते हैं, बिल्कुल नॉन वेज का फ्लेवर आता है, और है 100% वेज। और आई गेस ये दिल्ली में खाली आप ही बना रहे हैं वेज हांडी? वेज हांडी अभी तक तो हम ही बना रहे फिलहाल। देखिए कितनी प्यारा लग रहा है। अभी थोड़े हमारे मसाले डलेंगे, जैसे नमक हो गया, ये धनिया हो गया, गरम मसाला, लाल मिर्च वगैरह। देखा भी काफ़ी सीक्रेटली प्राइस, मतलब स्पाइसेस डले हैं एकदम ही, उनके स्पेशल स्पाइसेस भी डलते हैं। गरम मसाला भी आपका खुद का बनता है ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, गरम मसाला खुद ही तैयार करते हैं हम, अपना पिसवाते हैं। आइए अभी इस हांडी को सील करते हैं, ये हरा धनिया डाल दिया हमने, अभी इसे हांडी को सील कर देते हैं। तो ये सील क्यों कर रहे हैं इसे हम? ये भी आप तंदूर के अंदर जाएगी ना, तो इसके फ्लेवर्स हैं सारे इसके अंदर ही आ जाएं, इसके मिट्टी के मसाले के सारे फ्लेवर्स। अच्छा, तो अभी तंदूर में भी जाएगी? अभी ये तंदूर में जाएगी, तंदूर में पकेगी ये 2 से 3 दिन। अरे वाह, आपने सील कर दिया? हाँ जी हाँ जी, हांडी नाम रख देते हैं, ग्रेवी ऊपर से बना के हांडी में डाल देते हैं।
ये, लेकिन आपने देखा होगा प्रॉपर इसकी मेकिंग पूरी हांडी पे ही हुई है। ऐसा नहीं है कि ग्रेवी तवे पे बनाई और हांडी में डाल दिया, ये पूरा प्रॉपर हांडी पे बनाया, इसलिए इसके अंदर पूरा प्रॉपर हांडी का फ्लेवर आएगा। देखिए अभी हांडी तंदूर में जाने के लिए तैयार है। अभी हमारी हांडी 3 से 4 मिनट इसके अंदर पकेगी, फिर आपको टेस्ट ट्राई कराते हैं इसका कैसे है। ये हमारी पक चुकी है प्रॉपर, अभी निकलने के लिए तैयार है। उधर ना, उधर चप्पू ले गया, यहाँ खोलूँ उसको? आइए इसे खोलते हैं। ये देखिए हांडी तैयार है पक्के, खुशबू देखिए आप, खुशबू बहुत है। ये खुशबू देखिए आप, इसकी खुशबू कैसी आ रही है, ये देखिए आप भाई साहब, देख सकते कैसे उबाले खा रहा है हमारा वेज हांडी चिकन। अभी आपको दिखाता हूँ चिकन का पीस, दोनों में आपके पानी सा आ जाएगा एकदम, ये लहर सी आ जाएगी। देखिए लहसुन देखिए कैसे एकदम अच्छे से पक चुका है, पूरा फुल गार्लिक गया है इसमें, तो एकदम ही आपको चिकन जैसा ही स्वाद आने वाला है। टाइमिंग क्या रहती है सर? 12 बजे से रात को 12 बजे तक, 12 बजे से रात को 12 बजे तक।